गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 14 क्लास 10th का स्टैटिस्टिक्स करेंगे, जिसमें हम मीन फाइंड करना सीखेंगे। तो चैप्टर 14 में हम मीन फाइंड करेंगे। मीन फाइंड करने के थ्री मेथड्स हैं। तो कौन कौन से मेथड हैं, वन बाय वन हम सॉल्व करेंगे। सबसे फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट मेथड, मीन बाय डायरेक्ट मेथड। जिसका फॉर्मूला है हमारे पास इसमें मीन फाइंड करने का, ये मीन का साइन होता है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा का मतलब टोटल, सबमिशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन सबमिशन ऑफ एफ आई। इसको हम एफ एक्स भी लिख सकते हैं, एफ आई एक्स आई भी लिख सकते हैं। दूसरा मेथड है, सेकंड मेथड है अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड जिसका फॉर्मूला है मीन का, मीन फाइंड करने का, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो ये मीन फाइंड करने का सेकंड मेथड है, अज्यूम्ड मीन मेथड। और थर्ड मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, इसमें मीन फाइंड करने का फॉर्मूला है मीन इक्वल टू, इसमें भी ए लगाएंगे, ए मीन अज्यूम करना है, इसमें से कोई टर्म अज्यूम करनी है तो इसमें भी ए लगानी है, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। एच इसमें कॉमन विजिबल फैक्टर होगा। तो हम वन बाय वन तीनों मेथड करेंगे। सबसे पहले हम मीन फाइंड करेंगे डायरेक्ट मेथड से, उसी क्वेश्चन को हम अज्यूम्ड मीन मेथड से फाइंड करेंगे, और फिर स्टेप डेविएशन से मेथड से करेंगे, और तीनों में आंसर सेम ही आएगा। तो फर्स्ट मेथड स्टार्ट करते हैं। ये स्टेटमेंट है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर, क्लास इंटरवल गिवन है। क्लास इंटरवल है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। उसके बाद ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो सबसे पहले हमने करना क्या है कि हमें एक्स आई फाइंड करना है। क्वेश्चन के अंदर जो फॉर्मूला हमने यूज़ किया करना है डायरेक्ट मेथड में, एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई। तो ये एफ आई गिवन है हमारे पास, और एक्स आई हमने फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करना है, क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को प्लस करना है। तो दोनों का प्लस क्या बनेगा, 0 प्लस 10 10, और 10 अपॉन 2 करेंगे तो 5 आएगा। तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे इसको, हम एक्स आई ऊपर लिख लेते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे 5। अब 10 प्लस 20 नेक्स्ट निकालना है हमने एक्स आई, 10 प्लस 20 30, 30 अपॉन 2 15 आ जाएगा। नेक्स्ट 20 प्लस 30 50 अपॉन 2 कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो ये 10 10 का गैप है हमारे पास सारा, तो यहाँ पे 10 10 ऐड करते जाएंगे 25 के बाद 35, फिर 45, फिर 55। अब हमने एफ आई एक्स आई फाइंड करना है। फर्स्ट मेथड हमने यूज़ किया है, तो एफ आई एक्स आई इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे, एफ आई और एक्स आई की, एफ आई एक्स आई। अब प्रोडक्ट करनी हमने, तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 इधर
12 15 180, 25 3 75, 35 7 245, 45 2 90 और 55 1 55। अब हमने टोटल लगाना है, हमारे पास सबमिशन ऑफ FIXI अपॉन सबमिशन ऑफ FI, तो हमने फॉर्मूला जो यूज़ करना है उसके लिए हमें FI का टोटल, FIXI का चाहिए और FI का टोटल चाहिए। तो ये हमारा FI है, इसका टोटल लगाएंगे 5 और 12 17 और 3 20 27 29 और ये हमारा टोटल 30 आ गया। और नेक्स्ट हम इसका टोटल लगाएंगे 5 5 10 15 और 5 20, 2 carry 2 5 7 और 9 16 और 4 20 27 और 8 35 और 2 37, 3 carry 3 और 2 6 और 1 3 और 2 5 5 और 1 6 60 6 7 0 आ जाएगा, 670 टोटल आ जाएगा हमारा। अब फर्स्ट मेथड हमने यूज करना है मीन फाइंड करने का। फर्स्ट मेथड में हमने फॉर्मूला लगाना है मीन इक्वल टू सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। तो हमारे पास FI XI का टोटल 670 आ गए, इसको डिवाइड करेंगे 30 से, तो ये 3 0 से 0 कट कर देंगे। अब 67 को हम 3 से डिवाइड करके आंसर फाइंड कर लेंगे, 3 2 6, फिर 7 आ गया, फिर 3 2 6, फिर 1 आ जाएगा, पॉइंट लग जाएगा और 10 बन जाएगा और 22.3 अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। रिपीट आएगा 3 बार भी ले सकते हैं, ये 22.3 अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट मेथड हमने किया है मीन डायरेक्ट मेथड से, तो ये डायरेक्ट मेथड हमने किया है। अभी हम इसी क्वेश्चन को अज्यूम्ड मीन मेथड से करेंगे। ये एक क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए, डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड करना है इसका। तो ये स्टेटमेंट है और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अभी हम सेकंड मेथड करेंगे, अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड के लिए हमें XI तो चाहिए, तो पहले सबसे पहले XI फाइंड करेंगे, वैसे ही XI लिख लेंगे, 0 plus 10 upon 2 5, फिर 20 10 और 20 का प्लस करेंगे 30 upon 2 15, तो ये 10 10 का गैप हम ऐड करते जाएंगे, 25 35 45 और 55। अब अज्यूम्ड मीन मेथड लगाने के लिए हमें एक टर्म इसमें से अज्यूम करनी पड़ेगी, तो हमें इसको अज्यूम कर लिया ए, फर्स्ट वाली को हमने अज्यूम कर लेना, और हमने फाइंड करना है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग DI फाइंड करना है। तो DI फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला है, DI इज इक्वल टू XI माइनस ए करना है। XI माइनस ए मतलब इस XI में से, ये पूरा XI में से सब में से ए माइनस करना है। तो सबसे पहले 5 में से ही 5 माइनस करेंगे, 0 आ जाएगा, और 15 में से 5 माइनस करेंगे, 10 आ जाएगा, 25 में से 5 माइनस करेंगे, 20 आ जाएगा, तो ऐसे ही 30 आ जाएगा, 40 आ जाएगा और 50 आ जाएगा। अब इसके बाद हमने फाइंड करना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग FIDI। अब FIDI फाइंड करेंगे,
एफ आई और डी आई की प्रोडक्ट करेंगे। तो पैसा सबसे पहले क्या आएगा, 0, 12, 10, 120, फिर 320, 60। एफ आई और डी आई की प्रोडक्ट करनी है, और 730, 210, $240,080 और $150,050। अब हमें टोटल चाहिए, एफ आई का टोटल तो हमने पीछे निकाला है, सेम आएगा 30, और एफ आई डी ए का टोटल लगाएंगे, 0, 5 और 8, 13, 14 और 6, 20 और 2, 22, और 2 और 2, 4 और 1, 5, 520 इसका सम आ गया। अब हमने मीन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या लगाना है, सेकंड मेथड के अंदर मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो इसमें ए हमारे पास कितना है, 5 है, 5 प्लस एफ आई डी ए का टोटल हमने लगाया 520 अपॉन एफ आई का टोटल हमने लगाया 30, तो यहाँ पे 30 कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगी, और 5 प्लस 52 अपॉन 3 आ जाएगा। और यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, नीचे 1 लगा देंगे, और 3, 5, 1 और 3 का एलसीएम 3 आ गया, 1 के टेल पे 3, 3 पे आता 3, 5, 15 प्लस यहाँ पे 52 आ जाएगा क्योंकि नीचे 3 है, तो ये 67/3 आ गया। अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वही आंसर आ जाएगा जो हमने पिछले मेथड में किया है, 22.3 अप्रॉक्स। तो ये हमने अज्यूम्ड मीन मेथड से मीन निकाला, आंसर सेम ही आएंगे। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, और डायरेक्ट मेथड हमने पहले किया था, अब हमने अज्यूम्ड मीन मेथड से भी उसका सेम आंसर निकाला वही स्टेटमेंट से। तो ये आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, तो प्रैक्टिस के लिए आप खुद कर सकते हो इसको और आंसर फाइंड कर सकते हो। इसका आंसर 21.4 आता है। अभी हम नेक्स्ट मेथड करेंगे, जो नेक्स्ट मेथड है वो हमारा है स्टेप, लास्ट मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड, जो कि आपके इस बार बोर्ड एग्ज़ाम में 2022 में सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो भी एक मेथड है, तो वो भी हम करेंगे। तो ये क्वेश्चन वही सेम स्टेटमेंट हम स्टेप डेविएशन मेथड से करेंगे, जो भी जो क्वेश्चन इस बार बोर्ड एग्ज़ाम से ये मेथड कट गया है, कट फ्रॉम द सिलेबस बोर्ड एग्ज़ाम 2022, लेकिन फिर भी हम इसको कर लेते हैं। थर्ड मेथड है ये स्टेप डेविएशन मेथड। तो इसमें हमने वैसे ही एक्सआई फाइंड करना है, दोनों का प्लस करेंगे, क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो ये 10/2, 5 आ जाएगा। नेक्स्ट में 10 और 20, 30/2, 15, फिर 10, 10 ऐड करते जाएंगे क्योंकि ये 10, 10 का गैप है, तो 25, 35, 45 और 55 आ जाएगा। अब हमने डी आई फाइंड करना है, तो सेम डी आई फाइंड करने के लिए यहाँ से एक टर्म एज्यूम करेंगे, जैसे हमने एज्यूम्ड मीन मेथड में हमने ए एज्यूम किया था, वैसे ही हमने डी आई फाइंड करने के लिए ए एज्यूम करना है। तो फर्स्ट हम आप बीच में से कोई भी टर्म एज्यूम कर सकते हो, तो फर्स्ट हम एज्यूम कर लेते हैं ताकि माइनस का चक्कर ना पड़े। तो यहाँ फर्स्ट टर्म हमने एज्यूम कर ली, तो डी आई फाइंड करने का वे क्या है, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए है, तो पूरे एक्स आई में से ए को माइनस करना है, तो 5 में से 5 माइनस करेंगे, सब में से ये ए माइनस करना है ये वाला, तो 15 माइनस 5 10,
फिर 20, फिर 30, 40 और 50 आ जाएगा। और अब हमने UI फाइंड करना है, क्योंकि मेथड में हमारे पास UI फाइंड करना है, FIUI। तो UI कैसे फाइंड करना है, इस DI को हमने डिवाइड करना है कॉमन डिविजिबल फैक्टर से। तो ये सब टर्म जो है 10 से डिवाइड होती हैं। तो UI इक्वल टू DI अपॉन 10 लगाएंगे, तो सभी टर्म को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास UI आ जाएगा। 0 को 10 से डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा, 10 को 10 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 20 को 10 से डिवाइड करेंगे 2, फिर 3, फिर 4 और 5 आ जाएगा। अब हमने फाइंड करना है FIUI। FI और UI की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 0 दर 0, 12 1 दर 12, 13 3 2 दर 6, 7 3 दर 21, 2 4 दर 8 और 1 5 दर 5। अब इसका टोटल लगाएंगे, 5 और 8 13, 14 और 6 20 और 2 22, 2 और 2 4 और 1 5 52 इसका टोटल आ गया। अब हमने मीन का थर्ड मेथड लगाना है, स्टेप डेविएशन मेथड। जिसमें एक स्टेप और बन गया, जो हमने अज्यूम्ड मीन मेथड किया था उससे एक स्टेप और बन गया, तो ये तभी इसका नाम स्टेप डेविएशन है। तो उसमें फॉर्मूला है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो इसमें ए हमारा कितना है, 5 है, और एफ आई यू आई का टोटल हमने निकाला है 52, और एफ आई का टोटल 30 आएगा, तो अपॉन 30 लगाएंगे इंटू एच। एच का क्लास इंटरवल का डिफरेंस जो है, जितने से हमें डिवाइड किया है, एच डिविजिबल फैक्टर है 10, तो 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 थ्री सर 30 कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस 52 अपॉन 3। तो ऐसे यहाँ पे भी एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 3 आ जाएगा, और 3 5 इधर 15 प्लस 52, तो 67 अपॉन 3 आ गया, जो कि सेम आंसर आ जाएगा 22.3 अप्रॉक्स। तो ये आंसर भी सेम आ गया। तो ये हमने मेथड किया था अज्यूम्ड मीन, सॉरी स्टेप डेविएशन मेथड मीन का, और इसी का सेम क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है इसी मेथड का। तो ये प्रैक्टिस के लिए आपकी, और इसका आंसर है 65.6। आई होप आपको तीनों मेथड अच्छे से समझ आ गए होंगे। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।